वजन पूरा 18 टन आया है और हमारा जो भाड़ा है वो 80,000 रुपये लगा है हैदराबाद का, पूरे रस्सा तरपाल कर लिए। गुजरात नंबर का टेलर है, इसमें धान भरे हुए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। दोस्तों शामली में केला खाली करके 2 दिन खड़ा हो करके कुछ नहीं मिला, तब जाके हम आए सिकंदराबाद। और सिकंदराबाद में भाई देख सकते हो आप ब्रिटिश पेंट, यहाँ से पेंट लोड करेंगे हैदराबाद का। और सामने भाई अपनी गाड़ी खड़ी हुई वहाँ पे लाइन में, और यहाँ एंट्री करा दी है 10 बजे, अंदर गाड़ी होगी। तो आपने देख लिया कंपनी का गेट, अंदर देखते हैं भाई फोन कैमरा अलाउ है या नहीं है, जब आपको दिखाते हैं कैसे लोड होगी क्या होगी। तो भाई देख सकते हैं मेन गेट पे चाय पी के आए अभी, और अभी गाड़ी में जा रहे हैं, उसके बाद दिखाते हैं फिर आपको कंपनी का अंदर का नज़ारा। दोस्तों सुबह के बज रहे हैं 8:30, तो 9 बजे या 9:30 बजे हमारी गाड़ी अंदर होगी। तो हमने सोचा अंदर खाना बनाने नहीं देते तो फिर अपनी गाड़ी में ही बना लेते हैं। तो अभी हमारी दाल उबल रही है अरेड़ की, और तुअर की भी बोलते हैं कई जगह महाराष्ट्र एमपी में तुअर की दाल बोलते हैं। और अपना सब कुछ काट पीट के रख लिया है, जब तक दाल बनेगी आटा भी लगा लेते हैं और फिर खाना यही बना लेते हैं, क्योंकि अंदर भाई कोई पता नहीं है, बाहर ही जमा कर लेते हैं गेट पर ही जो भी अपना खाने बनाने वाला। और कल रात बारिश इतनी हुई है कि ठंडी लग रही है, तो दो टी शर्ट और शर्ट पहनी हुई है। ठीक है भाई खाना बना के निकलते हैं, अभी खाना भी पूरा बनाऊंगा जब भी दिखाऊंगा। खाना बन गया, देखो ये दाल हो गई ठीक है, और ये भूली भूली गोल गोल रोटियां। तो अब खाना बना के रख दिया है, खाएंगे जब लोड होगी। और अब अंदर से आ गया है अभी गार्ड बोलने को लोडिंग के लिए, तो निकलते हैं फिर गाड़ी लेकर के। ठीक है तो अंदर दिखाता हूँ मैं आपको कंपनी। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं फैक्ट्री के अंदर, देख सकते हैं सामने खड़ी अपनी गाड़ी, और बाजू में देखो पेंट के कितने सारे डब्बे रखे हुए हैं, ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है। तो गाड़ी अपनी लोडिंग पे लग चुकी है, और ये फोरलिफ्ट से रख के गया है बाहर, और अंदर लेके जा रहा है हाथ से, ऊपर जाल मार दिया जिससे बारिश आए तो तिरपाल डालने में जल्दी हो जाए। तो भाई गाड़ी अपनी लोड हो चुकी है, बस ये लास्ट पायलट है, और फिर चलते हैं अपना कांटा कराने के लिए। तो दोस्तों कांटे पर आ चुके हैं, 18 टन वजन आया है, और अब बस पेपर की वेट है, पेपर मिल जाए जब चलेंगे। तो दोस्तों अभी बच चुके हैं 5:00 और हमारी गाड़ी के रस्सा तिरपाल हो चुके हैं, पेपर ये मिल गए, तो निकल रहे हैं भाई आगरा के लिए। वजन पूरा 18 टन आया है, और हमारा जो भाड़ा है वो 80,000 रुपये लगा है हैदराबाद का, पूरे रस्सा तरपाल कर लिए, निकलने की तैयारी है। ठीक है मिलते फिर आगे। तो दोस्तों अब बज रहा है रात के करीब 1, और हम पहुंच चुके हैं आगरा। तो इस बार हम इंडियन पंप से तेल ले रहे हैं, ना कि भारत से। अब देखेंगे इसका माइलेज कितना आता है निकल के। ठीक है तो मैं अभी यहाँ का रेट दिखा देता हूँ, 89.53 ठीक है, अभी 55,000 का ले रहे हैं हम यहाँ से तेल। तेल लेके भाई निकलेंगे यहाँ से हम, अब सोने वाले नहीं हैं क्योंकि हमें 3 दिन में खाली करनी है गाड़ी। तो दोस्तों रात डीजल डलाने के बाद हम पहुँचे थे ग्वालियर बाईपास, और यहाँ पे इतना तगड़ा जाम है कि रात के यहीं फंसे पड़े हैं। मैं पीछे दिखा देता हूँ, देख लो ये तो लाइन थोड़ी बहुत चल रही है आने वाली, लेकिन जो हमारी जाने वाली लाइन है ना ये वाली, वो बिल्कुल बंद है, क्योंकि आगे पलट गई है कहीं घाट में गाड़ी। ये इधर ग्वालियर के लिए, ये इधर झांसी के लिए। तो सुबह के बज चुके 10, और सामने जो आप टेलर देख रहे हैं ना, ये टेलर पलट गया है, ये गुजरात नंबर का टेलर है जो कि धान लेकर आ रहा था। और यहाँ है भाई मोड़ और तीखी ढलान, तो ये तीखी ढलान का ना बाहर की गाड़ियों को अंदाजा नहीं लग पाता है, तो वो अक्सर आकर यहाँ हादसे की शिकार हो जाती है। तो भाई अब पहुंच चुके हैं हम एमपी बॉर्डर पर, देख सकते हैं कितना लंबा जाम है यहाँ पर। तो भाई हम हैदराबाद से 200 किलोमीटर पहले पहुंच चुके हैं, तुम्हें पता है कि इतना फास्ट चल रहे हैं कि आज दूसरा दिन है, कल तीसरे दिन खाली हो जाएगी गाड़ी। में टायर में दिक्कत हो गई थी, पंचर हो गया है, तो टायर बनवा रहे हैं यहाँ पे हैदराबाद से 200 किलोमीटर पहले। सामने पड़ा है अपना टायर, तो भाई ये खोल रहा है भाई, टायर तो ठीक है लेकिन कभी कभी हो जाता है गड़बड़। तो भाई हो गया अपना टायर पंचर का काम, दे दिए पैसे वैसे सब चीज़, और 32 सीसा सब यही कर लिया है। अब यहाँ से 200 किलोमीटर बचा है हमारा, तो अब हम पहुँचेंगे रात रात में, सुबह खाली करेंगे वहाँ आपको दिखाएंगे। तो ठीक है भाई मिलते फिर हैदराबाद। तो भाई पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर, रात के 2 बजे आ गए थे इधर खाली करने के लिए हैदराबाद में, और मैं गोदाम दिखा देता हूं आपको एक बार। तो भाई ये अपनी गाड़ी लग चुकी है, ऊपर तिरपाल डाल दिए, खोल गया हाफ तिरपाल, और ये इनकी ऑफिस है, पता था गोदाम है यहाँ पे, देख रहे लेबर वाले को मज़ा ले रहा है, देख रहे छोटा सा गोदाम है, 3 सेट का बना हुआ है। तो भाई फिर खाली करते हैं, खाली करने के बाद दिखाता हूँ मैं आपको कि कहाँ जाएंगे भरने। तो दोस्तों गाड़ी तो अपनी खाली हो गई, और ये अपनी रिसिप्ट भी मिल गई। तो अभी तो 2 ही बजे हैं दिन के, तो अभी माल की बात चल रही है,
अभी पक्का नहीं हुआ है। तो भाई ये ब्लॉग आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताया करो, लाइक कर दिया करो वीडियो को, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। प्यारी सी राधे राधे।